जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक हरियाणा के प्रदेश महासचिव सुभाष जांगड़ा ने महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विरोध कर रहे किसानों पर बनाए गए मुकदमों के लिए हरियाणा सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक हरियाणा मांग करती है कि किसानों पर बनाए गए मुकदमों को हरियाणा सरकार तत्काल रद्द करे। साथ ही गत दिनों हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा दिया गया बयान भी निंदनीय है। भाजपा के नेताओं को अमर्यादित भाषा पर रोक लगानी चाहिए तथा संविधान हित और जनहित में कार्य करना चाहिए। आइए देखते हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक हरियाणा के प्रदेश महासचिव सुभाष जांगड़ा ने क्या कहा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को अपने गृह कस्बे महम में पिछले हफ्ते शनिवार को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ के किसानों का कहना है कि जब तक किसान विरोधी काले कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक महम कस्बे में किसी बीजेपी या जेजेपी नेता को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इस बीच निजी स्कूल के इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुँचे जांगड़ा को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में किसानों के सामने से बाहर निकाला। किसानों ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद देर शाम महम पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस पर बीजेपी नेता रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि कृषि कानून सरकार ने सोच समझ कर लागू किए हैं। देश की भलाई के लिए प्रधानमंत्री अनेक योजनाएं लागू कर देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जिस पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक हरियाणा के प्रदेश महासचिव सुभाष जांगड़ा ने महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विरोध कर रहे किसानों पर बनाए गए मुकदमों के लिए हरियाणा सरकार की निंदा की है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सांसद रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा राज्य के राज्यसभा के सांसद है और सांसद होने के नाते जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही जनप्रतिनिधि के नाते किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी। यदि किसानों से वह उचित तरीके से बातचीत करते हैं तो किसानों को काले झंडे दिखाने और उनका घेराव करने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। सुभाष जांगड़ा ने आगे कहा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक हरियाणा मांग करती है कि किसानों पर बनाए गए मुकदमों को हरियाणा सरकार तत्काल रद्द करे। उन्होंने आगे कहा कि गत दिनों हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दयाल द्वारा दिया गया बयान भी निंदनीय है। भाजपा के नेताओं को अमर्यादित भाषा पर रोक लगानी चाहिए, साथ ही संविधान हित और जनहित में कार्य करना चाहिए। सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हरियाणा राज्य के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ का किसान भी जनता का हिस्सा है। रामचंद्र जांगड़ा जी अगर अच्छे तरीके से किसानों के साथ बातचीत करते तो शायद सांसद जी को वो काले झंडे नहीं दिखाते और ना ही उनकी गाड़ी का घेराव करते। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में सुभाष चंद्र जांगड़ा हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी, जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो जल्द से जल्द सरकार वापसी ले, क्योंकि बीजेपी के जनप्रतिनिधि दिन प्रतिदिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर और जनता के अंदर एक रोष है। इन जनप्रतिनिधियों ने संविधान हित में और जनहित में कार्य करना चाहिए। साथियों धन्यवाद। गौरतलब है कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों के बारे में कहा था कि आंदोलन के दौरान जो 200 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है ये घर में होते तो भी मरते, जो आज घर में है वे नहीं मर रहे हैं क्या। इस बात के साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों के दबाव में मृत किसानों के प्रति संवेदना तो जताई लेकिन उनकी संवेदना में भी मजाक का भाव दिखाई दिया। ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? मेरी बात सुन लो, आपके आप ये लाख दो लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक मेरी बात, हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर करें। साथ ही मूलनिवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें और Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। जय भीम जय मूलनिवासी।